गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी सुबह हो चुकी है, आप सबकी भी हो गई है। तो आज हम जल्दी जल्दी उठ गए थे, मैं 5:30 बजे उठ गई थी और मुझसे भी पहले तो पार्थ भाई उठ गए थे 5 बजे। उसको बस पढ़ाई 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 ही करनी होती है, पढ़ाई के चक्कर में वो नहीं आसपास देखते, नहीं वो दिन रात देखते, कुछ नहीं देखते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो हम दोनों जल्दी उठ गए थे क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, आधा डेकोरेशन भी बाकी था। हमने कल डेकोरेशन तो कर दिया पर कुछ कुछ बाकी था अभी, इसलिए मैं भी जल्दी उठ गई और अब मैं जल्दी जल्दी रसोई बना लूँगी। अभी बजे है सुबह के 9:45 और वीरादित्य सो रहा है, तो मैं जल्दी से रसोई बना लूँगी। आधा काम मेरा हो चुका है और आधा काम अभी भी बाकी है देखो। और बस अब झाड़ू फट्टा मारना है, तो अब मैं झाड़ू फट्टा मार दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा डेकोरेशन करना है वो भी कर दूँगी। और बहुत सारा डेकोरेशन था करना, इसलिए मैं गणपति की स्थापना की तैयारी नहीं कर सकी, तो मैं फिर आज वो तैयारी भी करूँगी, गणपति की भी तैयारी करूँगी और काम भी करूँगी, रसोई भी करूँगी, सब काम करूँगी। आई एम अ सुपर वूमन, आई एम अ सुपर मॉम, आई एम सुपर हाउस वाइफ, आई एम सुपर केडिस वाइफ, आई एम सुपर डुपर हिट। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ डेकोरेशन और फिर हम बस यूँ ही काम करेंगे ना है। पर जब हम गणपति का स्थापन करेंगे, वो पूजा करेंगे, तभी मैं बहुत अच्छे से तैयार होगी, बहुत अच्छे से रेडी होके मैं फिर आपको मेरा नया लुक दिखाऊंगी। ठीक है, चलो मैं डेकोरेशन दिखाती हूँ आपको। देखो वहाँ से श्रेयांशी बा मुझे देख रही है। देखो ये हमारा डेकोरेशन है। अभी आधा हुआ है और अभी आधा बाकी है। यहाँ हम लाइटिंग करेंगे और ये हमने बनाया था वट का पेड़ और बन गया है पीपल का। फिर भी उसमें वड़वाई आएगी, पीपल के पेड़ में हमारे वड़वाई आएगी। हाँ सारी इसकी पीपल के पेड़ की आती है और हमने बनाया था वटका। हम रेडी हो गए और अभी आ रही है बारिश। रिम झिम रिम झिम। अब हम कैसे गणपति लाएंगे? गणपति तो मामा जी के घर पे है। देखो मैं मराठन और मारवाड़न दोनों एक साथ बन गई हूँ, पर अभी बारिश आ रही है, क्या करें? गणपति लाना है, लाइट भी चली गई है। वीरादित्य रेडी हो गया है। गणपति को गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति आ गए हैं, देखो अभी लाइट भी चली गई है और यश भैया गणपति बाप्पा को जनोई पहनाएंगे और वस्त्र पहनाएंगे। ये हमारे यश भैया है, मेरे देवर जी है, अभी उसकी शादी होने वाली है, तो गणपति बाप्पा आशीर्वाद देना, शादी हो जाए अच्छे से उसकी। अब ये खेस पहनाएंगे यश भैया, और यश भैया के हाथों में कुत्ते ने काट लिया था, तो वो कुछ थोड़ा थोड़ा ही कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कुत्ते ने काट लिया था। और अब हमारे गणपति जी की पूजा होगी। माता पार्वती पिता
पूजा समाप्त हो चुकी है और अब हम सब का आशीर्वाद लेंगे। मामी हेलो गाइस, हमारी पूजा हो चुकी है, देखो हमारे गणपति बाप्पा। पहना है टी शर्ट जो तेजल मासी ने भेजा है। जेजे क्या तारू हवा में जेजे छे? तारू हवा क्या छे एमा जेजे छे? गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा। ये देखो दिव्या साफ सफाई कर रही है। अब क्या कर रहे हो आप? बिखरा पड़ा है यहाँ पे। मत करो सारे पेतरे। हेलो गाइस, अभी बजे है शाम के 6 और मैं बना रही हूँ रसोई, क्योंकि आज जल्दी रसोई करनी पड़ेगी। अब तो मुझे आरती की तैयारी करनी है, 7 बजे आरती है। और देखो मेरा फेस बिल्कुल, मैं थक गई हूँ और मैं बना रही हूँ सब्जी। इधर मैंने खिचड़ी रख ली है और अब आटा गूंद के मैं करूँगी आरती की तैयारी। तो मेरे ब्लॉग देखते रहना आगे। 9 दिन तक हम बस यही करने वाले हैं। 5 बजे उठ जाएंगे, फिर हम काम करेंगे। और देखो जल्दी जल्दी रसोई करनी है। सुबह की रसोई भी मैंने 9 बजे कर ली थी। हाँ देखो वीरादित्य आ गया है पापा के साथ। उसे मेरे पास आना ही नहीं है, बाहर ही घूमने जाना है। क्या थे पेड़ो पेड़ो लाइव रोयो रो तो वो दिखा रहा है कि मुझे लग गई। कहाँ पे लग गई बेटा? क्या भाई? चल नीचे उतरा। हम जो तरती शर्ट गंदू थे गयो छो। हालो आवा बदले दो। बदले ना जो वो आऊ पर दवा ले ना। वो दवा ले आऊ ना तेरे आगे। दवा ले आऊ पछि आऊ। हम ना आया दवा ले ना। वो तो तेरा ठीक है जो। बाय किदे बाय। ओयो मालो देखो थाली तैयार कर रही हूँ, पूजा की डिश तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं लिखूंगी वेलकम। थक गई हूँ कि बस मुझे सोना ही है। पर अभी तो मैं व्लॉग एडिटिंग करूंगी, वीरा दीदी को सुलाऊंगी, ये ठाठ माठ सब निकालूंगी और फिर मुझे सो जाना है। और ऐसे घसा घस सो जाना है कि सुबह तक उठने का कोई नाम ना ले। सुबह भी मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा, गणपति जी की आरती पूजा सब करना पड़ेगा। आप आगे आगे ब्लॉग में देखते रहना कि कैसे कैसे ये सब होता है मुझसे। बहुत 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 मुश्किल है, पर फिर भी बड़ा मज़ा आता है जब गणपति बापा घर पे आते हैं। हर साल मेरा यही हाल होता है। पिछले साल तो वीरादित्य भी छोटा था, तब तो मुझे बहुत लेन तान पड़ गया था। पर इस साल वो खेल लेता है अकेले अकेले, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, बाय, जय माता जी। और आगे के व्लॉग देखते रहना, मैं क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ। हमें यूपी जाना है, जो मैंने आपको सामान दिखाया था वो यूपी जाने के लिए है। हम लोग यूपी कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये सब पैकिंग यूपी की थी। तो मैं पैकिंग भी करूँगी, पूजा भी करूँगी, विजयादित्य को भी संभालूँगी और पार्थ भाई और इसके पापा को भी संभालना है। बहुत सारा काम सब कुछ रहता है, पर बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो बस देखते रहना। और गणपति के विसर्जन के दूसरे ही दिन हम लोग यूपी जाएंगे फिर वहाँ जाके बहुत सारा आराम कर लूँगी। पर अभी तो 9 दिन तक भाग दौड़। तो चलो बाय। सब्सक्राइब करना प्लीज़, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, शेयर करो। वीरादित्य आपको बोलता है रोज़ रोज़, आज वो बाहर गया है वरना वो आज भी बोलेगा छप छाप लाइक, वो ऐसे बोलता है। तो चलो ये अब मारवाड़ा बनी हूँ आज मैं, तो ये सब निकाल देती हूँ और बाय।